हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। स्वागत है आपका एके आरओ के रिएक्शन में। मैं हूँ कविता। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, वो इस लहजे से कि 7 बार कुरान पढ़ के उसे मुंह जबानी याद कर लिया। इन इमाम साहब का जो ऑरा है वो बिल्कुल अब्दुल बासित साहब से मिलता है और बहुत अच्छे से कुरान को रिसाइट करते हैं। तो ये वीडियो ये कहता है कि जब ये कुरान रिसाइट करते हैं तो जिस तरह से अब्दुल बासित साहब के आप कुरान रेसिटेशन पढ़ते हैं और आपको रोना आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे इनके रेसिटेशन को पढ़ते हुए। तो कहाँ तक ये वीडियो इस चीज़ को साबित करता है, तो यहाँ पर इंग्लिश सब टाइटल्स भी हैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड अच्छे से पूरा उस कुरान को। तो आपको भी मैं कहूँगी कि आइए मेरे साथ कुरान पाक को सुनते हैं इनकी ज़बानी। तो बिना देरी के वह आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
قيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين तो देखा दोस्तों किस तरह से इनका जो रेसिटेशन था वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था और एक एक शब्द जब ही कह रहे थे आप वो सुन सकते थे जो वहाँ के आसपास ऑडियंस थी उसने मतलब कितनी अच्छे से इनका मैसेज कन्वे हो रहा था और स्पेशली वो वाला पॉइंट जब वहाँ पे था जब ये मैसेज आई मीन इंग्लिश में जो सब टाइटल जब लिख के आ रहा था दैट पॉइंट जब कहा था कि यू नो शी वॉज क्लोजिंग द डोर वो दरवाज़ा बंद कर रही थी एंड फिर अल्लाह अल्लाह कह रही थी उस मोमेंट पे जो लोगों ने जो इमोशनल हुए लोग मैं बता नहीं सकती और बहुत खूबसूरती से इन्होंने कुरान का रेसिटेशन किया बहुत क्लोज थे अब्दुल बासित साहब के खैर वो तो उनका एक औरा ही अलग है मगर इनका भी बहुत उम्दा बहुत बेहतरीन था तो पर्सनली मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने और एक इमाम साहब से मुझे वाकिफ़ कराया जिनका रेसिटेशन हम सुन सकते हैं और बहुत अच्छा लगा कुरान को इस तरह से एक वक्त आता है जब आपको ज़रूरत होती थोड़े सुकून की और जब इस तरह के रेसिटेशन सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऐसे ही अपने सजेशंस भेजते जाइए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे अपने सजेशंस कॉमेंट्स मुझे भेजते रहें मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद नमस्ते सत श्री अकाल अपना ध्यान